बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने दे दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा। महात्मा गांधी के हत्यारे को बीजेपी नेता ने बता दिया देशभक्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया गोडसे को देशभक्त। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर कांग्रेस हुई आग बबूला। अगले एक साल में देश में कई चुनाव होने वाले हैं, इनमें लोकसभा चुनाव भी होगा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, जिसके चलते अब पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए। और इन्हीं बयानों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक ऐसा बयान आया जिस पर हंगामा मच गया। अब हर तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान की ही चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान ही कुछ ऐसा दिया कि कोई भी सुनकर सन रह जाए। दरअसल हम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिस बयान की बात कर रहे हैं वो उन्होंने दिया है महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को लेकर, जिसमें उन्होंने गोडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और क्या कहा और उनके बयान के बाद क्या क्या हुआ, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। दरअसल बीते कुछ दिनों से त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के दौरे पर हैं और उस दौरान पूर्व सीएम और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बुधवार को बलिया पहुंचे। बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री ने एक विवादित बयान दे दिया। उनके इस बयान के बाद से ही राज्य में फिर से सियासी पारा हाई हो चुका है। दरअसल हुआ ये था कि यूपी के बलिया में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी गांधीवादी नीति पर चलती है लेकिन बीजेपी गोडसे वाली राजनीति अपनाकर चलती है। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो जवाब दिया वही विवाद की वजह बन गया। अपने जवाब में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने तो स्वदेशी की बात करी, लेकिन ये कौन सी स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोट के बाहर लटकाकर गांधीवादी बनना चाहते हैं तो उसको जनता समझती है। राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। हालांकि अपने इस बयान के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे द्वारा महात्मा गांधी का समर्थन नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बयान में आगे कहा, गोडसे ने गांधी जी को मारा वो एक अलग मुद्दा है, जहां तक मैंने गोडसे को जाना है और पढ़ा है वो भी एक देशभक्त थे, गांधी जी की जो हत्या हुई उससे हम सहमत नहीं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान की उत्तराखंड कांग्रेस ने कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने कहा, गोडसे के बारे में बीजेपी और आरएसएस की सोच जगजाहिर है, वो महात्मा गांधी को अपनी सुविधा अनुसार कभी महान बताते हैं तो कभी गाली देते हैं, भाजपा का दोहरा चरित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। बता दी कि एक तरफ जहां राहुल गांधी गोडसे और सावरकर पर जमकर हमला बोलते हैं तो वहीं बीजेपी सावरकर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती है, और कई बीजेपी नेता गोडसे का बचाव करते हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोडसे को देशभक्त कहना उसी के मुताबिक है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इस बयान के चलते घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बयान पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।